करो। आज 5 मई को मदनगंज भाजपा मंडल और किशनगढ़ भाजपा मंडल के तत्वाधान में शिवाजी नगर में पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं की हत्या पर भाजपाइयों में काफी रोष दिखाई दिया। खूनी खेला बंद करो, खूनी खेला बंद करो, ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारों के साथ भाजपाई काफी नाराज नजर आए। सोशल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के साथ ही टीएमसी के संरक्षण में गुंडों द्वारा जीत के उन्माद में व ममता बनर्जी की हार के प्रतिशोध स्वरूप भाजपा के बड़े नेताओं की हत्या एवं कई कार्यकर्ताओं की दुकानें मकान जला दिए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बंगाल से आ रहे समाचार व चित्र काफी हृदय विदारक हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं अस्वीकार्य एवं गौर निंदनीय है, जिसके विरोध में भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के चलते आज किशनगढ़ के सभापति दिनेश सिंह राठौड़, उप सभापति मनोहर ताराणी, मंडल अध्यक्ष किशन बंग, जयराम मालाकार, राजीव शर्मा, पंकज पहाड़िया, राजू शर्मा, नितेश खंडेलवाल, दीपक गुप्ता, रविकांत शर्मा सहित भाजपाइयों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए विरोध जताया एवं नारेबाजी की। भाजपा के बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, कई कार्यकर्ताओं की दुकानें मकान जला दिए गए। बंगाल में आ रहे समाचारों में चित्र हृदय विदारक है। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं अस्वीकार तथा घोर निंदनीय है, जिस बंगाल के कार्यकर्ताओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनाएं हैं। हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस प्रकार की घटनाएं बार बार ममता बनर्जी पिछले टाइम भी कर रही थी और ये कर रही है। लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं, वो तानाशाही करना चाहती है और वो डरा और धमका के पब्लिक को रखना चाहती है और देश में एक तरह से वो दबाव की राजनीति और धमकाने की राजनीति करना चाहती है। देश के अंदर विघटन की स्थिति पैदा कर रखी है उन्होंने। इसका भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता और किशनगढ़ के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी से आग्रह करते हैं कि इसकी सर्वोच्च सही तरीके से इसकी सरकार के द्वारा जांच करा के सीबीआई जांच कराई जाए और गलत काम उन्होंने किए उनके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाएं और FIR दर्ज की जाए, कानून संबंध कार्य किए जाएं। अगर वो कहा सरकार इसका लोकतंत्र के अनुसार निर्वहन नहीं कर रही है तो जो भी न्याय संगत निर्णय है वो भारत सरकार को लेनी चाहिए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक आग्रह और निवेदन करता हूँ ताकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को न्याय मिल सके और निष्पक्ष निर्णय हो सके। तो इस प्रकार की कार्रवाई फिर किसी लोकतंत्र में नहीं हो। ये मेरा लोकतंत्र में हिंसा और हत्या की जगह नहीं है और अगर ममता जी ऐसा कर रही हैं तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकार का जिस प्रकार वो सरकार चलाना चाहती है वो पहले दिन ही प्रदर्शित हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध और प्रदर्शन करेगा और फिर अगर उस तरह का कार्य करेगा तो कमजोर नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और उनका मुकाबला करेगा पूरा। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से हम अखबारों में टीवी पर सोशल मीडिया पर जो चित्र देखे हैं और वो बड़े हर्ज में जा रहते हैं। जो पार्टी जीतती है जीतने के बाद वो जश्न मनाती है, उनकी होली तो नहीं खेलती है। ये बिल्कुल हमको बुरा लगा। इसके अंतर्गत हमारे राष्ट्र नेतृत्व ने हमको निर्देश दिया कि पूरे भारत में इस चीज़ों का विरोध करना है। तो आज हमने किशनगढ़ मध्य मंडल में इस चीज़ का विरोध किया और केंद्र सरकार से अपील करी कि वापस राष्ट्रपति शासन लगाएगा। बंगाल चुनाव के परिणाम पश्चात उपजी राजनीतिक हिंसा ममता बनर्जी द्वारा पूर्ण रूप से प्रायोजित है। यह क्रूरता एवं हिंसा टीएमसी के चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब करती है। जिस प्रकार राष्ट्रवादी भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्याएं, लूटपाट एवं आगजनी की जा रही है वह लोकतंत्र को संसार करने वाली है। ममता बनर्जी भाजपा के कार्यकर्ताओं का लहू बहाकर जीत का जश्न मना रही है। ममता दीदी का यह खूनी खेला उनकी मानसिक विक्षिप्त सोच का परिचय देता है। भारतीय जनता पार्टी मदनगंज किशनगढ़ के सभी कार्यकर्ता इस बर्बरतापूर्ण हिंसा का पुरजोर विरोध करते हुए बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन की मांग करता है। भाजपा कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। समस्त भारतीय जनता पार्टी मदनगंज किशनगढ़ मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद हुए कार्यकर्ताओं की शहादत को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः शहीदों को सादर नमन। मैं किशन बंग, अध्यक्ष मदनगंज भाजपा मंडल, धन्यवाद।
पश्चिमी बंगाल के चुनाव परिणाम आने के साथ ही टीएमसी के संरक्षण में गुंडों के द्वारा जीत के उन्माद में ममता बनर्जी की हार प्रतिशोध स्वरूप भाजपा के बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई है और कार्यकर्ताओं की दुकानें जला दी गई है, उनके घर जला दिए गए हैं और इसी के परिणाम स्वरूप कई बंगाल छोड़ के बाहर चले गए हैं। और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ।